इलाहाबाद शहर के अंदर एक बस्ती जो कि जमुना के किनारे स्थित मिंटो पार्क के पास झोपड़पट्टी। इस पूरे बस्ती के अंदर लगभग 2500 लोग रहते होंगे। इस 2500 परिवार के बीच में एक भी पानी का पाइप नहीं है और न ही कोई कनेक्शन है और न ही शौचालय है। जब से आप नया रह रहे हो तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था थी? कुछ नहीं, कभी नहीं थी? कभी नहीं, झोपड़पट्टी थी खाली। कभी आपने मांग किया इसकी कि यहाँ शौचालय बने? बहुत मांग करते, कोई सुनाई नहीं करते। किससे कहा आपने? अरे यही नेता लोग हैं सारे जितने आते हैं यहाँ पे। अब शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? मैदान जाते हैं, जमुना के जमुना तरफ। तो उससे परेशानी नहीं होती? परेशानी होती, उधर आदमी भी रहते हैं औरतें भी रहते हैं, क्या करें, शर्म को मरेंगे तो मर जाएंगे। तो कभी कोई सरकारी आदमी आया, अधिकारी आया, उसने शौचालय बनाने के लिए कहा? कोई नहीं कहता, लिख के ले जाते हैं, कोई बनाते नहीं। पिछले 30-35 वर्षों से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बुनियादी सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं दी गई, ना ही यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था है। इस बस्ती में लगभग 2000 लोगों का निवास है, लेकिन कहने को यहाँ पर 3 हैंडपंप और पिछले 2-3 वर्षों से यह तीनों हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। इस संबंध में लगातार इलाहाबाद के जिला प्रशासन को, इलाहाबाद के नगर निगम प्रशासन को समय समय पर अवगत कराया गया है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इस क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए उनसे आग्रह किया गया, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार कहती है कि 8 लोगों के बीच में एक शौचालय होना चाहिए, पर तो यहाँ 2500 लोग रहते हैं और एक भी शौचालय नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं नगर आयुक्त आर विक्रम सिंह को फोन करके, जिनका नंबर है 740-842-230-8। मैं अजीत बहादुर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, इंडिया अनहर्ड के लिए।